सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। हमारे वजासन में दखल अंदाजी करने के लिए बस दो मिनट तो तब मैंने इनके पिंजरे में डाल दूं, उसके बाद दिलाते रहना तुम अपनी ये धरती। अरे तोता भैया, बहुत मना लिया तुमने जसन, इब जुदाई का वक्त आ गया। इब देख कैसे तारी उस मैना के पर काटू मैं। अरे जाओ इसने, पीछे अगर एक भी हरकत की ना तने गोली मार के तेरी सारी हरकत बंद कर दूंगा। तुम क्या देख रहे हो, उठाओ सुने, इनके जश्न नहीं मनाना है इन्होंने। छोड़ो मुझे। अरे राज बेटा, ये कौन से है और थारे को क्यों दोस्ती कर रहा है ये? दरअसल बात यह है कि यो अपने दोस्तों के साथ गांव में हफ्ता वसूली करे। मैंने एक बार इसकी पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी तो उसी का बदला लेने आए हमारे से। तू ये ठीक ना कर रहे। अरे चल, तुम क्या देख रहे हो, ले जाके जीप में बांधते इसने। अरे बेटा, ये खुशी वाला घर है, बिना कुछ खाए पिए तने कैसे भेज दे? खाना नहीं तो कम से कम भांग तो तुझे पीनी ही पड़ेगी। अच्छा जी अम्मा जी, एक काम करो फिर भांग पिला ही दो। ले, भाग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। साले मारी चाल मारे पे चल दी, अपनी चलने वाली हो जीप, ये करूं। अरे जाएंगे कहां, जीप उनकी पंचर है, यही कहीं होंगे, ढूंढो उनको ढंग से। अब कहां भागे, अब आओ भागे भागे। चलो भैया जा, बड़ा खतरनाक जंगल से जंगली जानवर है वैसे। की बात है सुंदर, बात तो आप बताने आ रहे थे ना जी। मैं वो, अरे वो कोई खास बात ना थी ना। बात थी जब बता आपने घर में किसी को बताने से मना किया था। जल्दी बता दो जी, मेरा दिल बैठना जा रहा, जब तक सुन ना लू मुझे चैन ना मिलेगा। वो असल में मैं उस वक्त तेरी हालत देख के खुद बड़ा परेशान हो गया था, इसलिए तने तसल्ली देना था। ये तो फिकर मत कर, राजबीर और बहू जहां भी होंगे एकदम सही सलामत होंगे। सुन, मैंने एक बाबा तो पूछा था, इसलिए मैं तेरे तक कह रहा था कि यो बात किसी तभी मत बताइए। क्या था पापा ने? बस उनकी सलामती की खबर दी है। कह रहे थे
कि भगवान से प्रार्थना करते रहियो, तारे बच्चा के कुछ नहीं होगा। मेरे बड़े पापा जाने जी, एक पल ऐसा ना हुआ जब मैं अपने दोनों बच्चों की सलामती ना मांगू। मांगती रहे बस, उसने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिए छोरे का। मैंने माफ कर दे चंचल, मैंने बाद में सोचा तो यो ये समझ में आया कि ईव तना में कुछ भी नहीं बताऊं, क्योंकि जितना तू कम जानेगी उतना ही तेरे लिए सही रहेगा। भागो भागो मैडम जी, जल्दी भागो। अरे भागो मैडम जी, और तेज भागिए जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम जी आप जल्दी रुको। मैडम जी वीर राजवीर क्या हो रहा है? सब कुछ खोल खोल क्यों घूम रहा है राजवीर? अरे मैडम जी, हिम्मत और हिम्मत के दोस्त बंदूक लेके हमारे पीछे पड़े हैं और वो कुछ भी कर सके। अब चलिए यहां से। यहां से जा नहीं सकते वो, ढूंढो उनको, बच के नहीं जाने चाहिए आज। अरे ढूंढने यही कहीं होंगे। अरे होश में आओ मैडम जी, हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छे से ढूंढो, बच के नहीं जानी चाहिए, यहां से भाग नहीं सकते। भागो 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 मैडम जी। चंचल बेटा परेशान मत हो, यू देख अगर उसने पता होता तो यहाँ पे जाके ना ले आता उन दोनों को। देख बेटा थोड़ा सबर रख। कैसे सबर रखूं अम्मा, सुबह से बेटे और बहू का कोई आता पता नहीं है, और अब सबर रखने के लिए बोल रहे हो? अरे इनसे ना पूछूंगी तो और किससे पूछूंगी मैं? राजवीर को शहर जाने के लिए, मैं एक बार पूछूं, घर में इतने सारे नौकर चाकर से उनमें से किसी ने भेज देते ट्रैक्टर के पुर्जे लड़ करता, मारे बहु बेटे ने भेजने की क्या जरूरत थी? बोल रही हूँ अगर दोनों बच्चों में से किसी के खरोच भी आएगी ना चंचल, वो क्या अशुभ बातें अपने मुंह से निकाल रही है? कुछ भी ना होने वाला उन दोनों को। देख बेटा राजवीर है ना बहुत ही हिम्मत वाला छोरा से, वो कुछ ना कुछ करके अपनी सिमरन को वापस ले आवेगा। तने तो बेरा है ना, कैसे ध्यान रखे उसका। चुप हो जा। इसलिए तो अपनी किस्मत में कोस रही हो अम्मा, हिबे एक महीना भी ना हुआ दोनों के प्यार ने इब तो एक दूसरे ने ठीक से समझ भी ना सके। अरे मैंने घर से बाहर भेज दिया उठा के, कुछ दिन और रहने देते, सारी जिंदगी पड़ी थी फिर घर के काम करने का डर। अब भाभी समो बेटा तू क्यों चुप चुप बैठा सा? मैं क्या करूं बापू, एक तो राजवीर और बहू का पहले ही कुछ आता पता नहीं चल रहा है, ऊपर से जीत जी ने घर से गायब होके और परेशानी बढ़ा दी, पता नहीं कहां चली गई।
भाई साहब ना तो हिम्मत का पता सा ना ही उसकी जीभ का। ब्राह्मण ने तो लागे मरदूत जीजी के साथ ही गायब हो गया। कितनी बार फोन मिला है उसका फोन भी ना मिल रहा। हमारी एक बात समझ ना आ रही कि आपसे पूछे बिना छोरा घर से बाहर गया किसे? तो सब ओके रहा इस घर में। कैसा ये इश्क है, अजब सा इश्क है।